वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। स्वागत है जी अज के नवे ब्लॉक के अज तुहानू दर्शन करवावांगे श्रोमणी गुरद्वारा बाबा संगत सिंह जी के गुरद्वारा साहिब के जो कि आनंदपुर साहिब के बिल्कुल नज़दीक है। तो आ जाओ वीडियो दे नाल एंड तक जरूर देखियो। होले महल्ले के दिनों के संगतों का रश ज़्यादा होने करके बाबा संगत सिंह जी के गुरद्वारा साहिब के संगतों के रहण का काफ़ी खास प्रबंध किया जाता है। गुरद्वारा साहिब के एंटर होंदिया ही खब्बे हाथ चाह के लंगर प्रशादे के लंगर तैयार आ। संगतं पहला प्रशादा छकदियां आ, बाद चो जड़ा अगे गुरद्वारा साहिब के मत्था टेकदियां आ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वल्लों दिते गए श्रोमणी शहीद बाबा संगत सिंह जी नू बख्शिश किए हुए इतिहासिक हुक्मनामे अज भी गुरद्वारा साहिब दे विच सुभायमान है। अते एक श्री साहिब इतिहासिक गुरद्वारा साहिब दे विच सुशोभित है, तुसी आ के दर्शन कर सकते हो। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। बाबा संगत सिंह जी का जन्म पटना साहिब 25 अप्रैल साल 1667 ईस्वी नू पिता रणिए अते माता बीबी अमरो जी दे घर होया। बाबा संगत सिंह जी का जीवन पटना शहर दसवें गुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल ही बीतिया। उत्थे ही इन्हां ने शस्त्र विद्या, नेजेबाजी, निशानेबाजी अते घोड़सवारी आदि गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोलों ही सारा सिख्या। बाबा संगत सिंह जी चमकौर दी गढ़ी विच 10 लाख मुगल फौजां वल्लों धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं 40 सिंघां समेत गुरु जी नूं घेरा पा लिया। गुरु साहिब जी दे वड्डे साहिबजादे अते सिंह शहीद हो जांदे हन। उपरंत 5 प्यारियां वालों गुरु जी नू गढ़ी छड़ के जान दा आदेश कीता जांदा है। गुरु जी भाई संगत सिंह जी नू अपनी कलगी तोड़ा दे के सीस ते सजा के गढ़ी विच्चों बाहर निकलदे हन। गुरु जी दे जान उपरंत मैदाने जंग अंदर जालमा नाल जूझदियां ही भाई संगत सिंह जी शहीदी प्राप्त कर गए। बाबा संगत सिंह जी दा सीस फौजी जरनैल सूबेदारां वालों सरहंद की कचहरी विच भी पेश कीता गया। इतिहासकारां अनुसार दस्या यह जांदा है चमकौर दी गढ़ी छड़न तो पहला श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सुनहरी पोशाक कलगी सजाउण तो बाद भाई संगत सिंह जी नूं तीर भी बख्शिश कीते। इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, जे याद रखे हमारी गुरियाई, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। Thank you.
गुरद्वारा श्रोमणी शहीद बाबा संगत सिंह जी आनंदपुर साहिब दे लंगर हाल दी नींह दी खुदाई समय 10 फुट दी डूंघाई तो यह पुरातन शस्त्र मिति 23 तरीक 2 महीने 2009 नूं प्राप्त होया। जिहड़ा आपां शस्त्र तुहानूं दर्शन करवा रहे हां, हुण आपां तुहानूं दर्शन करवाउने आ प्रदर्शनियां वाले कमरे दे, जिस विच संगतां दे रहण दा प्रबंध कीता होया वा। जिद्दां जिद्दां तां तां साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कोतक रचदेगे, उस तरह इस तस्वीरां दे विच तुहानूं आपां दर्शन करवावांगे। ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।